बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, सुशांत व्हाई यू ट्रैवल सो बैडली, व्हाई यू रोम हेयर एंड देयर. सो या, इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द रीजंस व्हाई पीपल लाइक मी ट्रैवल सो मच, व्हाई ट्रैवलिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, यू लैंडेड ऑन द बेस्ट वीडियो यू हैव सीन इन अ व्हाइल. सो लेट मी काउंट देम आउट वन बाय वन. इट वॉज 4 AM व्हेन माई अलार्म शाउटेड इट. आई वॉज स्लीपिंग सो पीसफुली एंड दिस स्मॉल पीस ऑफ शिट जस्ट वोक मी अप. I looked out of the window and it was dark as hell. I thought I should sleep because it's fucking cold outside, bro. Then I turned and saw my bike looking at me as if she's saying, get your punk ass on me and let's go for a 400 kilometer ride. Yes, I parked my bike in my room. I know it will sound stupid for some of you guys. Anyways, back to the question. Why we travel? We travel to learn new ideas, new philosophies. We travel to learn, to find inspiration and to change for a better self. And we travel for much more. We travel because the work is boring and we need a quick escape. Sometimes my friends tell me, yaar bore ho gaya office ke kaam se, ghar ke pressure se. I wanna go in some open place, away from the usual life. Agar unse poocho ki kahan jana hai, to most of them will say, bro Shimla, bro Manali. ट्रैवलिंग हमें वो सिखाता है जो हम किसी और चीज़ से नहीं सीख सकते हैं. ह्यूमन बींग्स इज़ अ माइग्रेटरी स्पेशीज. चाहे हमारा माइग्रेशन गूगल मैप्स के थ्रू हो, एरोप्लेन्स के थ्रू हो, कार्स, बाइक, किसी भी मीडियम से हो, ह्यूमन बींग्स लव टू माइग्रेट. ह्यूमन बींग्स लव टू ट्रैवल. चाहे कितना भी बुक्स पढ़ लो, कितना भी डॉक्यूमेंट्रीज देख लो, बट जब अपने घर से दूर, अपने एरिया से दूर किसी और जगह पे बैठ के वहाँ के लोकल्स के साथ खाना खाओगे, चाय पियोगे, तो अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा. यू विल गेन अ लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड आउट देयर. देयर सो मेनी थिंग्स टू लर्न इन लाइफ. सिर्फ पैसा कमाना, खाना खाना और हक देना ही लाइफ नहीं है. देयर सो मच मोर टू लर्न एंड ट्रस्ट मी, ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट वे टू एक्सपीरियंस दिस. ज़रूरी नहीं है मेरी तरह बाइक से ही ट्रैवल करो. चूज़ व्हाट्स ईजी फॉर यू टू डू. While we travel, our experience gives us a newfound sensitivity of the lives of the other people. ये हमें एक चलता फिरता ब्रॉडकास्टर बना देता है, एक लिविंग न्यूज़पेपर बना देता है. सिर्फ हम होते हैं जो दूर से इस पूरी रुकी हुई दुनिया को, इन लोगों को देख सकते हैं. आई डोंट नो यू आर फीलिंग इट और नॉट, बट दिस इज समथिंग एल्स. नोबडी कैन बाय इट. यू हैव टू गो आउट एंड एक्सपीरियंस ऑन योर ओन. चलो थोड़ा सा ज्ञान दे दूं न्यूबी ट्रैवलर्स के लिए, जो नया नया ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ज्ञान थोड़ा सा. पीपल हु वांट टू स्टार्ट ट्रैवलिंग और राइडिंग सोलो, हियर आर सम फ्यू टिप्स फॉर यू गाइस. नंबर वन इज, डोंट बी स्केयर्ड. किसी भी अननोन प्लेस पे निकलना, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करना माइट साउंड स्केरी एट फर्स्ट, बट एक चीज़ याद रखना हमेशा, यू आर नॉट द ओनली वन डूइंग दिस. देर आर ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ पीपल डूइंग दिस ऑन देयर ओन. सो वाई कांट यू? क्यों नहीं कर सकते तुम जब इतने लोग कर रहे हैं? तो डोंट बी स्केयर्ड. द सेकेंड टिप इज, ट्रैवल स्लो. इनिशियली इट माइट फील बोरिंग, बट ट्रैवलिंग स्लो इज एडिक्टिव. सो डोंट ट्राई टू स्क्वीज योर एक्सपीरियंस. डोंट ट्राई टू ट्रैवल 10 कंट्रीज इन 7 डेज और अराउंड द वर्ल्ड इन अ मंथ. दिस विल गिव यू ओनली हैंडफुल फोटोज टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, बट नो रियल नॉलेज अबाउट द प्लेस. सो डोंट ट्राई टू रश योर ट्रिप. Make time to lie down under the trees or sit in a cafe, watch people behave. Slow traveling is far more compelling and lot more educating. Teesra guru gyan hai, don't carry too much. Don't carry everything you own back at home. Because if you really need something, you can pick it up on the way. Aram se chote mote cheezon ki zarurat ho, raste mein khareed lo, wo better hai. Usko backpack mein bhar ke le jane se better hai, raste mein khareed lo chote mote cheezon ko. ट्रैवलिंग बस न्यू प्लेसेस देखने को ही नहीं बोलते, बट अ पार्ट ऑफ इट ऑल्सो टीचेस यू अबाउट सेल्फ गवर्नेंस. यू विल लर्न टू लिव व्हाटएवर लिटिल सोर्सेस यू हैव.